नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अपना रिजल्ट। दोस्तों, देश की तीसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2022 जारी किया है। इस यूनिवर्सिटी ने अपने 74 डिपार्टमेंट्स में 84 सब्जेक्ट के लिए पीएचडी के आवेदन मांगे हैं। इस यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की पीडीएफ और दूसरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीएचडी नेट और देश की दूसरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। लेटेस्ट पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2022 जारी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कोलकाता यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी के बाद देश की तीसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को ब्रिटिश शासनकाल में 15 सितंबर सन 1857 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। नैक ने इसे ए ग्रेड दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने अपने 74 डिपार्टमेंट के लिए लगभग 84 सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, आप यहां ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने अपनी शिक्षा 10+2+3+2 या 11+1+3+2 के आधार पर प्राप्त की है तो आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहां अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आपने अपनी मास्टर डिग्री 1991 से पहले हासिल की है तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। यानी अगर आपके मास्टर डिग्री में 50% अंक हैं तो भी आपका काम चल जाएगा और आप यहाँ फॉर्म कर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमफिल की डिग्री हासिल की है और आपने अपनी एमफिल की डिग्री करस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन यूनिवर्सिटी से 3 अप्रैल 2009 से पहले हासिल की है तो आप यहां फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 3 अप्रैल 2009 के बाद में हासिल की है तो आप यहां फॉर्म अप्लाई करने के पात्र नहीं हैं, यानी आप यहां फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज के रेगुलर टीचर हैं और आपके पास मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद कम से कम 2 साल का अनुभव है तो आप पार्ट टाइम पीएचडी में रजिस्टर होने के पात्र हैं। अगर आप किसी हायर सेकेंडरी स्कूल या पॉलिटेक्निक में रेगुलर टीचर हैं और आपके पास पीजी डिग्री हासिल करने के बाद लगातार 4 साल का अनुभव है तो भी आप यहाँ पीएचडी पार्ट टाइम में एडमिशन ले सकते हैं। सब्जेक्ट पर नज़र डालें तो यहाँ एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, हिस्टोरिकल स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पब्लिक अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, लीगल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। इसके साथ ही मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, इंफॉर्मेशन साइंस, फिलॉसफी, सेवा सिद्धांत, वैष्णविज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियन स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, इंडियन म्यूज़िक, इंग्लिश, फ्रेंच, तमिल स्टडीज़, तमिल लिटरेचर एंड कल्चर, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, हिंदी और अरेबिक, पर्शियन एंड उर्दू सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। इसके साथ ही कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। जियोग्राफी, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनर्जी, पॉलीमर साइंस, क्रिस्टलोग्राफी एंड बायोफिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनाटॉमी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। इसके साथ ही मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, फिजियोलॉजी,
पैथोलॉजी, फोनोटिक्स एंड बायोफोनोटिक्स, नैनो साइंस एंड नैनोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, तमिल, विमेंस स्टडीज़ और मटेरियल साइंस जैसे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। इसके साथ ही नेटवर्क सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट भी उपलब्ध हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फ़ीस 590 रुपये रखी है। इस फीस में 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस और 18% GST के 90 रुपये शामिल हैं। ये फ़ीस सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है। सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फ़ीस एक समान रखी गई है। लास्ट डेट की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने PhD एडमिशन की लास्ट डेट को बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया है। आप 31 जनवरी 2022 तक अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप लिंक पर क्लिक कर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास द्वारा जारी PhD एडमिशन नोटिफिकेशन 2022 की संक्षिप्त में पूरी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।